और इतनी भारी संख्या में मां गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए उपस्थित बिजनौर जनपद के मेरे सभी उपस्थित भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में मां गंगा के आगमन के इस स्थल पर जो महाराजा दुष्यंत परम प्रतापी सम्राट भरत परम संत ऋषि कर्ण और महात्मा विदुर की साधना भूमि रही है, इस बिजनौर की धरती को, इस बिजनौर की धरती ने आर्य समाज के एक महत्वपूर्ण स्तंभ स्वामी सर्वानंद जी और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वैज्ञानिक डॉक्टर आत्मा राम जी और देश के प्रथम इंजीनियर राजा ज्वाला प्रसाद आदि की जन्मभूमि को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। आप सब यहां पर उपस्थित हुए, इसके लिए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आप सब जानते हैं आदि काल से ही मां गंगा हम सब की आस्था भी रही है और हम सब की अर्थव्यवस्था भी रही है। मां गंगा ने हजारों वर्षों से देश के बड़े भूभाग को अपने निर्मल जल से न केवल हमारी धर्म की, अर्थ की, अभी तो हमारी कामनाओं की पूर्ति करने के साथ साथ हमें मोक्ष प्रदान करने का कार्य किया। और जो गंगा मैया हमारे इस पुरुषार्थ चतुष्टय का आधार नहीं हो, उस मां गंगा के प्रति हमारा क्या दायित्व है? या अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 2014 में जब काशी में लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी आए थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है और मां गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन जिस ईमानदारी के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है, इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करने, मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आप सबके सहयोग से इस गंगा यात्रा का आयोजन प्रारंभ किया है। ये गंगा यात्रा आज दो स्थानों पर प्रारंभ हो गई है, बिजनौर से कानपुर तक एक यात्रा जाएगी और दूसरी यात्रा इसी समय बलिया जनपद से प्रारंभ हो रही है। प्रदेश की आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी इस यात्रा का शुभारंभ कर रही हैं और वह यात्रा बलिया से कानपुर आएगी। 31 जनवरी को दोनों यात्राओं का समागम कानपुर में होगा और कानपुर में इसलिए होगा क्योंकि कानपुर नमामि गंगे परियोजना का सबसे क्रिटिकल पॉइंट था। दशकों से कानपुर में गंगा जी के जल को इतना प्रदूषित कर दिया था कि कानपुर के आगे गंगा जी में बदबू थी, कोई जलीय जीव नहीं था और ऑक्सीजन की मात्रा इतनी कम हो चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी कि आजमन की बात तो दूर, वैज्ञानिक इस बात को मानते थे कि जिस गंगा जल को हमारे पूर्वज वर्षों वर्षों तक सुरक्षित संरक्षित करके रख लेते थे और जिस गंगा जल में औषधीय गुण माना जाता था, कानपुर के आगे इतना ही गंदगी, इतना औद्योगिक एफिडेंट और इतना सीवर गिरा दिया जाता था, इसके बाद गंगा गंगा न रहकर के नाला बन जाती थी और हमारी आस्था भी आहत होती थी और अर्थव्यवस्था पर भी भारी दुष्प्रभाव पड़ता था। हम सब आभारी हैं मां गंगा की।
कानपुर में आदमी आह्वान देने के लिए अध्यक्षता में हुई और वो वहां पर भी निर्मल हो गई है और इसलिए कानपुर इस क्रिटिकल पॉइंट का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी की अनुकंपा से उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार ने निकाला। स्वाभाविक रूप से अगर कानपुर में गंगा की समस्या का समाधान हो सकता है तो देश की नदी संस्कृति को बचाने के लिए हर जगह हम इसी प्रकार की निर्मलता हर नदी में ला सकते हैं और मुझे लगता है दिल्ली के अंदर भी दिल्ली की राज्य सरकार ने अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया होता तो भाइयों बहनों दिल्ली में यमुना जी भी इतनी ही पवित्र होती जितनी कानपुर में गंगा जी है। और भाइयों बहनों ये हमें इस बात का आभास कराता है आज जब हम लोग इस यात्रा को यहां पर प्रारंभ कर रहे हैं और दोनों यात्राएं एक साथ जब कानपुर में समागम होंगी तो वहां पर फिर से एक नया संदेश हम गंगा की निर्मलता का वहां से देंगे और इस अभियान के साथ कि गंगा हमारी आस्था भी है, गंगा हमारी अर्थव्यवस्था भी है। आस्था इसलिए आप सब जानते हैं महाराज भगीरथ ने महाराज सगर के अपने अपने पूर्वजों के 60,000 पुत्रों के मुक्ति के लिए स्वर्ग से गंगा की धारा को भागीरथी के रूप में इस धराधाम पर अवतरित करवाया था। हजारों वर्षों से मां गंगा बिना किसी भेदभाव के हर भारतवासी को तारने का कार्य कर रही है, लेकिन एक तरफ आस्था की प्रतीक गंगा बनी वहीं दुनिया के अंदर सर्वाधिक उर्वरा भूमि के रूप में अगर हम किसी भूभाग को जानते हैं तो गंगा बेसिन का जो क्षेत्र है जिसमें देश की 40% आबादी निवास करती है उस 40% आबादी के साथ साथ मेरा यह मानना है कि अकेले गंगा माता की कृपा इतनी ज्यादा है कि गंगा बेसिन का यह क्षेत्र केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं दुनिया का पेट भरने की क्षमता रखता है और यहाँ के किसानों के पुरुषार्थ और उनकी सामर्थ्य के बल पर उन्होंने अपनी क्षमता के बल पर उस प्रकार की शक्ति भी अर्जित की है। और इसलिए जिस गंगा माता के में जब गंगा माता हमारी आस्था और अर्थव्यवस्था की प्रतीक रही हो उस गंगा माता के प्रति अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए हमने जो किया उसको बताने के लिए आगे जो करने जा रहे हैं इसको भी उद्घोष करने के लिए इस गंगा यात्रा को एक साथ प्रदेश के दो क्षेत्रों से प्रारंभ करके और हमने इसमें जन सहभागिता के साथ प्रत्येक नागरिक को आमंत्रित किया है। हर जनप्रतिनिधि जुड़ रहा है, गंगा किनारे के गांव में हमारे जनप्रतिनिधि निवास करेंगे, वहां पर केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं की चौपाल लगाएंगे और प्रयास है कि गंगा के किनारे के इन सभी गांवों में गौ आधारित खेती को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे और फिर उसकी मार्केटिंग की व्यवस्था भी करेंगे जिससे अच्छा दाम किसानों को मिल सके। गंगा किनारे के गांवों में किसानों को खेत के मेड में फलदार वृक्ष लगाने के लिए हर जनपद में एक गंगा नर्सरी हम स्थापित करने जा रहे हैं और गंगा नर्सरी मुफ्त में फलदार वृक्ष किसानों को उपलब्ध करवाएंगे। और यही नहीं, अगर कोई किसान अपनी पूरी खेती में वृक्षारोपण फलदार वृक्षों का लगाना चाहता है गंगा के किनारे के खेतों में तो हम उसे अनुदान भी हर महीने अनुदान भी देंगे जिससे वह व्यक्ति 3 वर्ष तक जब तक वे पेड़ बड़े होते हैं और फल देने लगते हैं तब तक सरकार उसे अनुदान देकर के इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा और जब फल आने लग जाएंगे तो उन फलों को भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के रूप में बाजार में पहुंचाने की व्यवस्था से लेकर के एक्सपोर्ट करने की व्यवस्था के लिए भी सरकार उसे सहयोग करेगी। इस दृष्टि से यह कार्यक्रम आज यहाँ प्रारंभ किया जा रहा है। हर गांव में गंगा मैदान हो, हर नगर निकाय में गंगा पार्क हो, हर
हर गांव में गंगा तालाब हो, ये गंगा के प्रति हमारे कर्तव्य का दायित्व बोध हमें कराने के लिए और अविरल गंगा निर्मल गंगा के भाव के साथ हम सब माँ गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन कर सके, इस भाव को आगे बढ़ाने का एक कार्यक्रम चल रहा है। हमारा दायित्व बनता है, हम कोई भी व्यक्ति मरता है तो अंतिम संस्कार या तो अग्नि संस्कार के रूप में करें या फिर हम उसे जमीन में समाधि देकर के या जो भी परंपरा के अनुसार कार्य करें, लेकिन हमारा एक कार्य होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति मरता है हम गंगा जी में प्रवाहित न करें, क्योंकि मनुष्य मरता है गंगा जी में फेंक देने का कार्य, नदी प्रदूषित होती है, कोई पशु मरता है नदी में फेंक दिया जाता है, इससे मुक्ति नहीं मिलने वाली है। हम लोगों का कार्य होना चाहिए कि कोई भी गंदगी हम गंगा जी में न गिराने दें, हमारे गांव का कोई नाला कोई शहर का नाला गंगा जी में न गिरे, ये अभियान हर नागरिक का दायित्व बनता है और इसके लिए हर ग्राम पंचायत में गंगा सुरक्षा समिति का गठन हो, इसके लिए आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि हर ग्राम पंचायत में गंगा सुरक्षा समिति के माध्यम से हम माँ गंगा के प्रति अपने दायित्वों का निर्वहन करने के लिए आगे आए। दूसरी ओर हम लोगों का यह दायित्व बनता है कि जो कुछ भी हो सकता है हमारे स्तर पर अलग अलग गांव में अलग अलग गतिविधियों को बढ़ावा देने की कार्रवाई हमारे स्तर पर हो। और भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम अगर आगे बढ़ते हैं तीव्रता के साथ आगे बढ़ते हैं, कोई कारण नहीं कि आने वाले समय में हम दुनिया के सामने आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के इन संकल्पों को कि गंगा मैया के प्रति हम अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए आए हैं, तो गंगा मैया के प्रति हर भारतवासी आस्था अर्थव्यवस्था के साथ माँ गंगा को जोड़ करके हम लोग माँ गंगा इस धारा की अविरलता और निर्मलता को पूरी दुनिया के सामने एक मानक के रूप में रख सकते हैं। और आज देश तो उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। हम सब जानते हैं एक तरफ हम गंगा यात्रा के माध्यम से गंगा की अविरलता निर्मलता के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं और पिछले कुछ समय से जो घटनाएं देश के अंदर घटित हुई आपने देखा होगा, आजादी के बाद लोग किस बात को मानते थे, 500 वर्षों से अयोध्या में राम जन्मभूमि का मुद्दा टलवाया जाता था, समाधान ही ना हो, लेकिन आज समाधान हो गया। अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त होना इस बारे में इस बात को साबित करता है कि भारत के अंदर अगर हम एक सही नियत के साथ निरंतर अपने कार्यक्रम को लक्ष्य बनाकर के आगे बढ़ेंगे अवश्य सफलता मिलेगी। और गंगा मैया के मुद्दे को लेकर के भी यही कार्य योजना हमें बनानी होगी, हमें गंगा जी को हर हाल में साफ रखना है, निर्मल रखना है, और यह केवल सरकार का नहीं समाज का दायित्व है, संतों का दायित्व भी बनता है, धार्मिक और आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का, व्यापारिक क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों का, हर गांव का, हर किसान का, हर नौजवान का, हर महिला का ये दायित्व बनता है। वह माँ गंगा की निर्मलता के लिए अपने आप को तैयार करें और उस तैयारी के ही क्रम में आज मैं आप सबका आह्वान करने के लिए यहां पर आया हूं।